हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने क्रिकेट पिच को क्लीन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको भी पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में आपने बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं की होगी। अगर की भी होगी तो सिर्फ ग्लव्स और बैट का ही यूज़ किया होगा वैसे प्रैक्टिस करते समय। लेकिन आज आपको बताऊंगा कि आप क्रिकेट पिच को कैसे वॉक कर सकते हैं, सारे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं बैट की। तो जब भी आप अपनी क्रिकेट पिच को क्लीन करने जाएँ तो कभी भी लाइक उसे बहुत से लोग धो देते हैं, धोना नहीं है। आपको कोई भी एक गीला कपड़ा लेना, लाइक हल्का सा गीला करना उसको। तो सबसे पहले बैग को साफ करना आपको कुछ इस तरीके से हल्का हल्का कर, या आप चाहे तो बैग को धुल सकते हैं, बस बैग को धुल सकते हैं। बाकी अंदर की कॉम्पोनेंट जो भी इक्विपमेंट्स है वो सारे मैं आपको दिखाता हूँ भी करके, और बताऊँगा कि कैसे आप उन्हें वॉश कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मेरा क्रिकेट पिच बैग है और इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले हमें मिलते हैं ये ग्लव्स, और ये SM के ग्लव्स हैं। अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो पूरी किट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। तो ग्लव्स को आप कभी भी वॉश नहीं करें, कभी भी इन्हें धुलें नहीं। अगर इनको आप धुल देंगे तो इनका जो लेदर है तो पिघल जाएगा और वो फट जाएगा वहीं से, अगर आप इनको वॉश करते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ग्लव्स को कभी भी धुलना नहीं। आप एक चीज़ कर सकते हैं, इस गीले कपड़े से इनको ऊपर ऊपर से पोंछ सकते हैं, और लेदर पे गीला भी नहीं कर सकते, गीले कपड़े से भी लेदर को नहीं पोंछ सकते, बस हल्का ऊपर से पोंछ सकते हैं इसको, बस दैट्स इट। और अगर आप इसमें से डर्टी हो गए या इनमें से महकेक आ रही है तो आप इसे धूप में रख सकते हैं। अगर आप धूप में रखेंगे तो इसमें जो बदबू आ रही है वो चली जाएगी और आप इसे रीयूज कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई ग्लव्स की। इनको रखते हैं साइड में ग्लव्स को इस तरफ। अब बात करते हैं हमारे पैड की। तो ये LG के पैड से जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप पैड को क्या कर सकते हैं, अगर आपके पैड थोड़े महंगे हैं तो आप उनको थोड़ा धुल सकते हैं, बट ये पैड को आप नहीं धुल सकते क्योंकि इनका जो लेदर है, ये इस तरह आपको लेदर दिख रहा हो, ये लेदर। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जिनको आप नहीं धुल सकते, अगर आपके पैड थोड़े महंगे हैं तो आप उनको धुल सकते हैं, क्योंकि बहुत से पैड आते हैं उनमें जो होती है पन्नी की कवर होती है, जिस वजह से अगर आप उन्हें धोलेंगे तो पानी अंदर नहीं जाता है। तो आप पैड्स को धुल सकते हैं। तो इनको मैं साफ कर देता हूँ किस तरीके से, गीले कपड़े की मदद से। That's it. दूसरे पैड को भी निकालते हैं, इसको भी साफ कपड़े से इस तरीके से पोंछ सकते हैं। तो ध्यान रखें। एंड गाइस, ये है मेरा एल्बो गार्ड, इसे कभी मैंने यूज नहीं किया, ये जब से आया तब से ऐसे ही पड़ा गया है ना। बट इसको आप धुल सकते हैं क्योंकि इसमें कोई लेदर नहीं है, बस इसमें सॉफ्ट है, बस ये धुल सकते हैं इसको। अब बात करते हैं ये मेरे थाई पैड की, जो कि मैं पहले यूज़ करता था, अब इसको यूज़ नहीं करता क्योंकि अब मेरे पास प्यूमा का है, प्यूमा ई वो डुअल थाई पैड है, लेकिन वो अभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये मेरी पुरानी किट है, नई किट मेरी दिल्ली में। तो इसको भी आप भूल सकते हैं अगर चाहे तो, आप इसको भी यहाँ पे रखते हैं। अब बात करते हैं हेलमेट की। हेलमेट को अब इसकी बात है क्योंकि इस पर सिर्फ कपड़ा होता है तो आप इसे आसानी से वॉश कर सकते हैं। और पहली बार हेलमेट कभी गंदा भी होता है, अगर आप उस पर गीला कपड़ा मारेंगे तब भी वो अपने आप साफ हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि साफ हो चुका है एक ही बार में। इसको रखते हैं साइड में। इतने सारे कॉम्पोनेंट थे, अब साइड वाली चेनों में आ जाते हैं, इनके में क्या है। तो सबसे पहले हमें एक रेन कवर मिलता है जो बैग को प्रोटेक्शन करने के लिए, इसको वॉश कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ये ग्रिप है, मैं 2-3 ग्रिप लेके चलता हूँ जिससे कभी भी अगर बैड मैच में फट जाए। ये एल्बो गार्ड है। एंड गाइस, अब बात करते हैं साइड वाले चैन की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि सर पे मैं जब बैटिंग करने जाता हूँ तो इसको सर पे लगा लेता हूँ कि बहुत सारा पसीना आता है और उससे काफ़ी सारे कीटाणु जमा हो जाते हैं, इस वजह से मैं इसका यूज़ करता हूँ। तो गाइस, यही फाइनली अब बात करते हैं हमारे बैट की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है क्रिकेट पिच में वो एक बैट होता है, और ये बैट बहुत ही अच्छा बैट है BNC का। मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, 2 साल हो चुके ऑलमोस्ट इस बैट को यूज करते करते। तो बैट को आप कभी भी, एक्चुअली होता क्या, अगर आप इसको गीले कपड़े से पहुँचेंगे तो उसके अंदर नमी जा सकती है। बैट को ना तो नमी की ज़रूरत होती है, ना तो उसे ज़्यादा टेम्परेचर में रख सकते हैं। बैट को आप हमेशा अपने कवर के अंदर ही रखते हैं,
हो सके तो इसे एक सूखे कपड़े से आप पोंछ सकते हैं, जिससे कि जो डर्टी जो पार्ट्स है वो निकल जाएंगे। और बस इतना ही रखना आपको, और हो सके तो समय समय पे यहाँ पर जो आपका ये गार्ड होता है इस पर आप फेविक्विक लगा सकते हैं, जिससे कि ये प्रोटेक्ट बना रहे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बता दिया कि बेड को हमेशा आपको अपने जो कवर आता है उसके साथ ही रखना है। एंड गाइस, अब इसमें कुछ बॉल्स पड़ी है, मेरे पास चार पांच बॉल्स पड़ी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, उसको भी रखते साइड में। और अब ये बैग पूरा खाली हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। गाइज, आप कुछ इस तरीके से अपने क्रिकेट किट को घर पे क्लीन कर सकते हैं, और लॉकडाउन खत्म हो चुके हैं, आप अपने क्रिकेट को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ। कोविड-19 बहुत स्प्रेड हो रहा है, तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना। यही कुछ था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करें जो भी आपको लगता है हमारे चैनल के बारे में। बाकी मिलते हैं फ्रेंड वीडियो में, तब तक के लिए खेलो इंडिया, बढ़ो इंडिया।